जूतों से जुड़ा होता है आपका किस्मत का कनेक्शन, इन बातों को रखें विशेष ध्यान। अंग्रेजी की एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और कई मायनों में ये भी सही है। पहली मुलाकात में हमारा जैसा स्वभाव या बोलचाल का तरीका होगा, वैसी ही छाप हम अपने सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ेंगे। आमतौर पर हम हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारे रहन सहन और कपड़े पहनने के तरीके से ही की जाती है, जिसमें जूतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कपड़ों और जूतों को एक दूसरे का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति ने कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, लेकिन अगर उसके जूते चप्पल ठीक नहीं है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है। जूते चप्पल का संबंध न सिर्फ आपके पैरों की सुंदरता और स्वास्थ्य बनाए रखने से होता है, बल्कि यह पैसा, प्यार और आपकी प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। पैरों को सुरक्षित रखने के साथ साथ यह आपके भाग्य को भी बदलने में अहम रोल अदा करता है। यही कारण है कि इसे पहनने को लेकर भी वास्तु में कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे घर के बाहर पहने जाने वाले जूते चप्पल को घर के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ज्योतिष में व्यक्ति की कुंडली का आठवां भाग पैरों के तलुओं से जुड़ा होता है। जूते आठवें भाव को ही महत्व देते हैं। ज्योतिष की नज़र से जूतों और चप्पलों का क्या महत्व है? फटे जूते या उधड़े हुए जूते पहनकर रोजगार की तलाश या किसी जरूरी काम के लिए ना जाएं, इससे असफलता ही मिलती है। किसी की भेंट किए हुए जूते या चप्पल नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करने से शनिदेव आपके काम में दिक्कत करते हैं। जूते ना तो किसी से भेंट में लेने चाहिए और ना ही देने चाहिए, न तो जूते ना तो चप्पल। ध्यान रखें कि चुराए हुए जूते भी कभी नहीं पहनने चाहिए। कई बार हमारे जूते या चप्पल किसी धार्मिक स्थल के बाहर से चोरी हो जाते हैं। ऐसा करने वाले ध्यान रखें कि चोरी के जूते चप्पल पहनने से वो अपने ही स्वास्थ्य और धन की हानि कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति बाहर से आकर अपने चप्पल, जूते, मोजे घर में इधर उधर फेंकता है, उन्हें शत्रु परेशान कर सकते हैं। साथ ही उनके काम में भी बाधा आती है और उनकी कार्य की योजना ठीक तरह से नहीं चल पाती है। यदि आपकी कुंडली में शनि को लेकर कोई दोष है या फिर शनि की ढैया अथवा साढ़े साती चल रही है, तो आप शनिवार के दिन बगैर किसी को बताए अपना काले रंग का चमड़े का जूता या चप्पल मंदिर के प्रवेश द्वार पर उतार कर चले आएं। से क्या होगा, शनि देवता से जुड़ा यह प्रयोग शनि के कारण हो रही समस्याओं को दूर करके निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि मंदिर में आपकी चप्पल या जूता चोरी हो जाए तो गम न करें, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यह आपके जीवन में शुभ संकेत देता है। यदि आपके फुटवेयर शनिवार को चोरी होते हैं तो यह और भी शुभ है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर शनि दोष से राहत मिलती है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता और सौभाग्य आपके पास आ जाता है। किसी भी विशेष काम, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बेटे या बेटी की रिश्ते की बात करते जाते समय, लंबी यात्रा आदि करते समय भूल कर भी फटे जूते चप्पल ना पहन के जाएं। ऐसे फुटवेयर आपके कार्य की सफलता में बाधक बनते हैं। वास्तु के मुताबिक जूते चप्पल रखने के लिए शुभ स्थान दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा मानी गई है। इन दिशाओं में उचित स्थान पर सू रैंक बनाकर जूतों को उसमें ढककर रखें। ध्यान रहे कि सू रैंक घर के मेन गेट या उसके सामने ना हो, इससे अच्छा नहीं माना जाता। सीढ़ी के कोने में भी बने सू रैंक रखना घर की उन्नति के लिए शुभ नहीं होता है। धन्यवाद।